इमरजेंसी अलर्ट। ओ भाई क्या हमारा फ़ोन हैक हो चुका है दोस्तों, ये क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, बार बार ये मैसेज क्यों आ रहा है स्क्रीन पे भैया, ऐसी अलार्म बज रही जैसे हमारा फ़ोन हैक हो चुका है। दोस्तों क्या आप भी ये इमरजेंसी अलर्ट आपको फ़ोन में देखने को मिला है? दोस्तों इसके बारे में आपको मैं फुली डिटेल बताऊंगा, यदि आपको देखने को मिला है या फिर नहीं भी देखने को मिला है तो दोस्तों इस मैसेज को ध्यान से देखना, बहुत ही काम का मैसेज है ये। वैसे तो दोस्तों ये जो इमरजेंसी अलर्ट है ना, ये सैंपल टेस्टिंग के मैसेज है जो कि यहाँ पे दूरसंचार विभाग द्वारा भेजा गया है। दोस्तों इस मैसेज को भेजने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे जुलाई से ट्राई कर रही है दोस्तों, और ये आज सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने में बहुत से स्टेट को यहाँ पे सितंबर के महीने में तो लगभग सभी राज्यों में मैसेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है एसएमएस इमरजेंसी अलर्ट वाला, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा स्क्रीन पर, तो आप इसको इससे घबराना नहीं है, कहीं आप सोचो हमारे फ़ोन को क्या हो गया। इमरजेंसी अलार्म बजेगा 2 से 3 बार, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। दोस्तों तो इस मैसेज का मतलब क्या है, जो इमरजेंसी अलर्ट है दोस्तों, इससे पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। यह भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना प्रशिक्षण संदेश है, कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें। दोस्तों इसमें साफ साफ बोला कि इस मैसेज को इग्नोर कर दे, कोई मतलब दूरसंचार विभाग द्वारा भेजा गया है, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम की जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा, आप पढ़ने के बाद अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, जैसे हमारे देश पे कोई आपदा आती है, जो भी प्राकृतिक आपदा या फिर कोई भी, जैसे हमारा पीछे अभी कोरोना वायरस आ गया था, या फिर किसी भी राज्य में बाढ़ वगैरह आती है तो उन्हें पता नहीं चलता, क्यों डूबने के बाद ही पता चलता भाई। लेकिन ये जो इमरजेंसी अलर्ट है ना, बहुत काम की चीज़ है, इससे आपको गवर्नमेंट पहले ही भेज देगी, ये सूचित कर देगी कि आपके एरिया में है बाढ़ वगैरह आ चुकी है या फिर कोई भी महामारी फैल रही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग मैसेज है, लेकिन इस टेस्टिंग मैसेज की आपको हिंदी और इंग्लिश में जिससे भी रिलेटेड, जैसे बाढ़ से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे वहीं लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका एक और फायदा क्या है कि आपका मोबाइल साइलेंट या वाइब्रेशन पर है ना, तो भी इसकी जो इमरजेंसी अलार्म है वो जोर जोर से बजने लगेगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कैसे बज रही है, इस तरह से आपको अलार्म है बजने को देखने को मिलेगी। दोस्तों ये पहले आपको देखने को मिली या नहीं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दोस्तों अभी तक ये आपको इमरजेंसी अलर्ट वाला मैसेज देखने को मिला है या फिर नहीं दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कल मुझे देखने को मिला है 21 सितंबर को दोस्तों, और अभी तक आपको नहीं देखने को मिला तो दोस्तों यहाँ पे दिसंबर तक, यानी अब दिसंबर से पहले पहले आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, कहीं आप सोचो भैया हमारा फ़ोन है वो हैक वगैरह हो चुका, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही काम का मैसेज है ये, आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, जाके फॉलो जरूर करना दोस्तों। तो मिलते किसी ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।